वहीं सराय तहसील के गांव में पानी की समस्या से आम जनता परेशान है। गर्मी का मौसम अभी शुरू हुआ है और जल स्रोतों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को पानी लाने के लिए आधी रात से उठकर घंटों प्रयास करने के बाद लाइन में लगकर पानी मिल पाता है। पानी की समस्या को लेकर आज नई सराय ग्रामीणों ने सरपंच मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए सरपंच को ज्ञापन दिया। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि ज्ञापन देने के बाद भी पानी की समस्या से निजात नहीं मिली तो उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा। स्थिति और अपना जिला सूखा ग्रस्त भी है और ये तो एक ईश्वर की हो रही है कि वर्षा कम हुई है, लेकिन मेरे यहाँ नई सराय में दो नल जल योजना के बोर थे, एक बिल्कुल समाप्त हो गया, मतलब खुल गया है, दूसरा बोर जो है उसका जल स्तर कम हो गया है। उसके लगातार प्रयास किए जा रहे थे, मैंने उसमें भी पाइप भी बढ़वाए, लेकिन वो पानी देने की क्षमता के अनुसार नहीं है, टंकी तक पानी नहीं पहुंचा रहा हो। इसके लिए मैंने प्रशासन से एक महीने पहले ही मांग कर चुका हूं कि नई सराय में बहुत भीषण समस्या आ सकती है पानी की, और अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पीएचई वाले सिर्फ लेते हैं और पंचायत पर थोप देते हैं कि पंचायत इसकी व्यवस्था करेगी। पानी हरिनारायण के ट्यूब वेल से भर के ला रही है पूरी जनता। कभी इस संबंध में शिकायत करी आपने? कभी नहीं करी, आज सरपंच के साथ में आए, संघ में जनता के साथ में सरपंच साहब की बात में आए। गांव में नल जल योजना संचालित नहीं होती क्या? चलती नहीं क्या? चलती नहीं। कारक तो छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होता है। आपकी दृढ़